मेहरबा हुआ रब तो यह जाना कितना हसीन होता है पेट भर खाना। आज नगर पालिका में जो 2 अप्रैल से लगातार कम्युनिटी किचन चल रही है, तो महोबा न्यूज टीम आज नगर पालिका पहुंची है और आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये खाना बन रहा है यहाँ पर, और जो लगातार उन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है तो क्या क्वालिटी है खाने की और किस तरीके से तैयार किया जाता है खाना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ इस कैमरे में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये पूड़ियाँ निकल रही हैं, जो गर्मा गर्म पूड़ी निकल रही है, और यहाँ पर जितने लोग भी हैं आप देख सकते हैं कैमरे में, सभी लोग यहाँ पर मास्क यूज़ कर रहे हैं और मास्क पहन कर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से खाना तैयार किया जा रहा है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं जहाँ ये पूरी बेली जा रही है, पूरी सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ कर यहाँ पर पूरी बेल रहे हैं, और ये खाना जो तैयार हो रहा है ये पूरे जरूरतमंद जिले में और शहर के अंदर जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये खाना पहुंचाया जाएगा। हम अपने कैमरे में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखेंगे किस तरीके से कम्युनिटी किचन का कार्य चल रहा है और लोग किस तरीके से जो ये खाना यहाँ से तैयार होकर लोगों तक पहुँच रहा है। इस तरफ हम कैमरे में मूव करना चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, यहाँ ये पूड़ियाँ बन रही हैं, जो खाना पैक हो रहा है ये भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे नगर पालिका में जो पूड़ियाँ और खाने बनाना जो पैक हो रहा है, जो लोगों तक अभी घर में पहुँचाया जाएगा, सारे वार्डों में जो लोग चिन्हित किए गए हैं, अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो चिन्हित किए गए लोग हैं उन तक ये खाना पहुँचता है। और रोजाना 2 अप्रैल से लगातार ये कम्युनिटी किचन का कार्य चल रहा है, और जो 300 पैकेट से स्टार्ट हुआ था अब जाकर वो 1200-1500 पैकेट के करीबन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस पूरी खास बातचीत के लिए हमारे साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कम्युनिटी किचन की जो शुरुआत कैसी हुई और कितने पैकेट से लेकर और अभी जो वर्तमान स्थिति है कितने पैकेट लोगों तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सर, ये लॉकडाउन के बाद ये कम्युनिटी किचन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जो दैनिक रूप से कमाने खाने वाले लोग थे उनके अपने रोजी रोटी बंद हो गई, तो उनको उनकी ज़रूरतें पूरा करना आवश्यक हो गया। तब हमने 2 अप्रैल से यहाँ पर कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया, जहाँ हमने 300-400 से इस कम्युनिटी किचन को प्रारंभ किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीता गया वैसे जरूरतमंदों की संख्या बढ़ती चली गई, तो हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जैसे जैसे सूचना मिलती थी कि यहाँ पर ऐसे ज़रूरतमंद हैं, तमाम लोग बाहर के लोग यहाँ पर प्रवासी मजदूर काम करने वाले आए थे, जिनका जो कि किराए पर थे, जिनका अपना राशन कार्ड नहीं था, राशन भी नहीं मिलता था, तो वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए कि सरकारी सहायता पर। तो हम ऐसे लोगों को नियमित रूप से लंच पैकेट्स या फूड पैकेट्स बनवा करके अपने कर्मचारियों के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नियमित रूप से यहाँ पर डे खाना बनता है। हमारे कर्मचारी, हमारे 2 3 व्हीलर्स लगे हैं, 5 मोटरसाइकिलें हैं, जिसके जिससे हमारे सुबह से हमारे कर्मचारी क्षेत्र बार अपना खाना वितरण चालू कर देते हैं, पूरे शहर में वितरण करते हैं। इसमें जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, कुछ गरीब तबके के जो ज़रूरतमंद थे, इसके अलावा तमाम ऐसे घुमंतू प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर। मैं थोड़ा सा विराम चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि आप तक लोगों को कैसे सूचना मिलती है, कि कैसे चिन्हित किए गए वो लोग जहाँ तक ये पैकेट लोगों को पहुँचाया जा रहा है, किस तरीके से क्या मास्टर प्लान रहा, कैसे लोगों को चिन्हित किया गया, तो थोड़ा सा इस बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, हमने अपने कर्मचारियों से भी वार्ड वार चिन्हांकन कराया कि ऐसे ज़रूरतमंद कहाँ पर कितने लोग हैं, बाकी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार, चूँकि हमारा कर्मचारी वार्डों में वितरण कर रहा, तो वहाँ वार्डों में भी उसको ये सूचनाएँ बराबर मिल रही हैं कि हमने फला मकान में दिया तो पता चला कि पड़ोस में एक परिवार और ऐसा है जो कि आपके पात्र है पैकेट का, तो ऐसे हमारी संख्या जहाँ 300-400 चालू हुई थी इसी से बढ़ती चली गई। साथ ही अब जब प्रवासी मजदूरों का आगमन चालू हुआ तब हमारी संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि जहाँ पैदल आदमी जा रहा 25-25-50 झुंड जा रहा, वहाँ देखा गया कि लोग बता रहे हैं कि मैं एक दिन से 2 दिन से खाना नहीं पाया, तो वहाँ रुकवा कर तत्काल उनको फूड पैकेट सबने कर सर। सुनने में आया है कि जब खाना तैयार होता है तो नगर पालिका ईओ स्वयं पहले उस खाने को चखते हैं, फिर लोगों तक आगे पहुँचाने के कार्य चालू होता है। देखिए, इसमें निर्देश भी हैं और इसके अलावा चूँकि हम जो खाना बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, हम जो सामान बाज़ार से मंगा रहे हैं उसको तो हम देख रहे हैं, हम अच्छे ब्रांड के तेल, अच्छे ब्रांड के अचार, अच्छे ब्रांड का आटा, हम सब कुछ मंगा रहे हैं, लेकिन बनने के बाद किस तरह से उसकी क्वालिटी हो रही है उसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि जो हम पहुंचा जनता को खिला रहे हैं वो किस गुणवत्ता का है, बेहतर है अथवा नहीं है, तो हम लोग बीच बीच में उसको और मतलब हमेशा चेक करते रहते हैं कि जो हम खिला रहे हैं वो बेहतर खिला रहे हैं लोगों को। ये नगर पालिका योग
लालचंद सरोज हमारे साथ में थे। हमने आपको पूरी कोशिश की, महोबा न्यूज़ की ये पहल थी कि हम आप तक दिखा सकें कि किस तरीके से कम्युनिटी किचन का खाना तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जब हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए तो हमने पूरी ये पाया कि लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खाना तैयार हो रहा है और लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। महोबा न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी से पुनः अपील कर रहे हैं कि आपके अगर गली मोहल्ले या कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद है और खाने के लिए, तो यहाँ संपर्क कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। हम सभी लोग मिलकर जरूरत उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और नगर पालिका को भी हमें बधाई देते हैं कि इस तरीके का कार्य वो लोग आगे भी करते रहें और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़।